हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अच्छे शिक्षक जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों के सीखने की क्षमता का मुख्य आधार है। नेतृत्व कौशल भी इसी स्किल पर निर्भर करता है। अच्छे शिक्षक प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, बल्कि बच्चों को समाधान तक पहुँचने के लिए समस्या समाधान कौशल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का उपयोग करना सिखाते हैं। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे सिखाने चाहिए। सबसे पहली टिप है, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स ना बने। अपने बच्चों को खुद सोचने का मौका दे। आपके बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हो, उन्हें गलतियां करने दे और उनसे सीख कर आगे बढ़ने का मौका दे। दूसरी टिप है, रचनात्मक खेल मतलब क्रिएटिव प्ले को प्रोत्साहित करें। लकड़ी के ब्लॉक याद है? उन ब्लॉक से किला बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? सभी उम्र के बच्चे खेल के माध्यम से अधिक अच्छा सीखते हैं। सुनिश्चित करें कि उनके खेल में पर्याप्त चुनौती शामिल हो और कल्पना की आवश्यकता हो, जिससे बच्चों को अपने आप ही समस्या का समाधान मिल सके। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को कठिनाइयों का अनुभव लेने दें। यह आपके बच्चों की समस्याओं को हल करने के विपरीत है, लेकिन बच्चों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करने दे जिसका समाधान संभव है। उन्हें चुनने के लिए जितने अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प होंगे उतना ही बेहतर होगा। नंबर चार, समाधान के विकल्प प्रदान करें। जब भी संभव हो, निर्णय लेते वक्त बच्चों के सामने कुछ विकल्प जरूर रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे नियमित रूप से कठिन विकल्प चुनने से ना बचे, क्योंकि आप खुद ही डिफॉल्ट समाधान जारी करते हैं जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। पांचवी टिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने घर का हिस्सा बनाएं। कठिनाइयों को सुलझाने को मजेदार बनाएं। हम सभी हर समय किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, तो क्यों ना पारिवारिक चुनौतियों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसी तरह काबू पाया जाए जैसे आप घर के काम निपटाते हैं। छठवीं टिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरीज बच्चों को पढ़ने दें। अपने उपन्यास हैचेट में लेखक गैरी पॉल्सन जंगल में खोए एक बच्चे की कहानी बताते हैं। उसमें वह अपनी बुद्धिमत्ता बनाए रखकर और समस्याओं के आने पर उन्हें हल करके जीवित रहता है। प्रेरणा देने के लिए इस तरह की कहानियों का उपयोग करें। सातवां पॉइंट है, बच्चों के साथ कुछ आसान प्रोजेक्ट्स करें। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स की मदद से एक साथ सीखें। वास्तव में जितना अधिक आपका बच्चा आपको कार्य करते हुए कदम दर कदम समस्या सुलझाते हुए देखेगा, आपका बच्चा उतना ही अधिक समस्या समाधान करता बन जाएगा। आठवीं टिप है, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाएं। बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसे कि समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना ताकि प्रत्येक कार्य असंभव ना लगे, और जब तक समस्या हल ना हो जाए तब तक अपने बच्चों को एक एक करके सभी हिस्सों को निपटाने में मदद करना। नौवीं टिप है, बच्चों को असफलता का अनुभव करने दे। यदि हम अपने बच्चों को किसी कार्य में असफल होते देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम अपने बच्चों को सीखने के लिए भी तैयार नहीं कर सकते। और दसवां पॉइंट है, नियमित रूप से अपने बच्चों से मदद मांगे। सुनिश्चित करें कि बच्चे समझे कि आप समस्याओं को हल करने में उनकी मदद चाहते हैं। एक परिवार के रूप में विचार मंथन का अभ्यास करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चे कितने रचनात्मक हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का उपयोग करके आप अपने बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।